सतना से बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी सांसद गणेश सिंह पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी सांसद पर आचार संहिता का उल्लंघन और निर्वाचन आयोग का आदेश नहीं मानने का आरोप लगा है। दरअसल रैगांव विधानसभा में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी सांसद वहीं रुके थे, साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के साथ उनकी बहस भी हुई, इसका वीडियो भी वायरल हुआ। मामले को संज्ञान में आने के बाद बीजेपी सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सांसद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कल्पना वर्मा जो प्रत्याशी हैं, उनसे भी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ है और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चलिए जाओ। तो नहीं, आप कैसे, किस तरह बात कर रहे हैं आप? अरे आप किस बात जी हैं आप, तो आप सांसद बन गए। तो वही मैं कह रहा हूं, आप चलिए और ठीक है, मेरे को मैं ऐसे तो जल्दी भगा दो बेटा। हां आपके गाड़ी थोड़ी जाओगे, सतना के रैगांव विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में कल 30 तारीख को वोटिंग डालना है, उसके पहले आज कलेक्टर सभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, क्या कुछ सख्ती रहेगी 30 तारीख को लेकर, उन सब बातों को लेकर आज हम सतना कलेक्टर अजय कटारिया साहब से बात करेंगे। सर, हम शॉर्ट में बात करूँगा, है ना? क्या कुछ आपने मोटा मोटा ब्रीफ किया? अब मैं दोबारा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा नहीं कर पाऊंगा भाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सब बता दिया। सर, मेरे एक सवाल मेरा ये था कि सर आज सांसद के खिलाफ एफआईआर की, वो भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दिया है, कोई नया सवाल है तो ये कलेक्टर साहब थे, ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, स्वाभाविक है, दबाव है इन पर, लिहाजा ये कुछ भी कहना ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर कहने की कुछ भी, मैंने उनसे तमाम क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कह दे कि मैं कुछ भी दोबारा कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। सतना से कैमरामैन खेमचंद के साथ न्यूज़ 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। बताया जा रहा है आचार संहिता लगने के बाद भी गोविंद सिंह राजपूत जोबट में थे, जोबट थाने में उन पर एफआईआर दर्ज हुई। तो अलीराजपुर जहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, आचार संहिता के उल्लंघन का उन पर आरोप है, और ये बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव प्रचार थमने के बाद भी वो जोबट में थे और जोबट में ही उन पर एफआईआर जोबट थाने में उन पर दर्ज की गई है। कुमार इंदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, आचार संहिता का उल्लंघन, सांसद मंत्री उस जगह पर जहां पर अब डोर टू डोर कैंपेन तो होगा लेकिन सिर्फ प्रत्याशी करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, ये घोर लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर की गई गलती है। गलती इस तरह क्योंकि देखिए, इस बार जो है 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने ये 7 निर्देश जारी कर दिया गया था। सभी कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी सारे जिलों में ये खबर पहुंच गई थी, जहां जहां ये उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव होना है कि 72 घंटे पहले किसी भी तरह का शोर प्रचार और नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये भी था कि बाहरी प्रत्याशी जो है उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं घुस सकते, तो कैसे फिर इसके बावजूद उस क्षेत्र रौगा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, अपने आप में सवाल कर रहा है। कैसे ये लोगों के घर में जाकर बैठक कर रहे थे, जनपद सदस्य के घर में ही बैठ के सभा कर रहे थे, इस बात की जब जानकारी कल्पना वर्मा को लगी जो कांग्रेस प्रत्याशी, वो अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने सांसद गणेश सिंह से साफ साफ विनती की कि आप, क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है, लिहाजा आपसे हाथ जोड़ के विनती की जा रही कि आप चले। इस बात को कल्पना वर्मा ने कई बार बोला लेकिन उनकी उस चीज को लेकर हॉट टॉक भी हुई, और जब कांग्रेस को ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये बात दबेगी और इस पर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, लिहाजा 4:30 बजे सतना जिले में कांग्रेस ने एक पीसी का आयोजन किया और पीसी के माध्यम से बात शहर को बताने की कोशिश की, निर्वाचन आयोग को बताने की कोशिश की गई कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं
उसी सरकार के नियम, उसी सरकार के आदमी जो है उल्लंघन कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस के दबाव में आके आनंद फानंद निर्वाचन आयोग को FIR दर्ज करनी पड़ी सांसद के खिलाफ। फिलहाल तो FIR दर्ज की गई है, लेकिन न्यूज़ 24 ने, मैंने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, उनसे मैं बैनर वर्जन जानना चाहा कि आपके पास FIR हुई है। अभी तक मेरी सांसद से डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि आपको 2 घंटे बाद बताएंगे क्या करेंगे। आप समझ सकती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर से दबाव होगा। इससे पहले भी हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी इंदर, इससे पहले भी एक रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट पे भी हमने देखा जहां पर सांसद की बहस भी हो जाती है प्रत्याशी कल्पना वर्मा से। वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पता चला, हालांकि कलेक्टर से भी बात की गई, कलेक्टर से आपने बात करने की कोशिश की और कलेक्टर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। साफ तौर पर 2-2 ये कह दिया कि भाई मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उनके भी तेवर दिखाई दिए। जी निश्चित तौर पर आप श्रद्धा इस तेवर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कलेक्टर भी क्या दबाव में है। SP से भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, वहीं बगल में खड़े थे तो SP ने बोल दिया कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँ। तो आप ये समझ रहे हैं कि कोई मीडिया ब्रीफ नहीं करना चाहता है, कोई ऑन द रिकॉर्ड कोई बात नहीं करना चाहता, तो आप ये सोचिए कि कितना दबाव यहाँ पर है। अब सबसे गंभीर सवाल श्रद्धा ये बात होता इस पर उठता है कि ये स्थिति चुनाव प्रचार पर है, वोटिंग पड़ने के पहले है, तो 30 तारीख को हालात सतना जिले के क्या होगा आप अंदाज लगाइए। मतलब हम हैरान हैं कि इस तरह की स्थिति सतना जिले के रैगा विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, तो 30 तारीख को क्या होगा, कैसे आप ये उम्मीद करें कि सारी चीज निष्पक्ष होगा, सरकार ने जो वादे किए हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने जो डाउट्स हैं इसको लेकर भी चुनाव आयोग में अपनी शिकायत की, अपने डाउट्स भी बताए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अब 30 तारीख को सोचिए कि क्या हो सकता है, इंतजार करते हैं 30 तारीख का और अब देखना होगा कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव को पाते हैं, उसके लिए इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका कुमार इंदर तमाम जानकारी देने के लिए।